आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एसपी इज पैरेलल टू आरक्यू। तो गाइस नीचे एक डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एंगल पी और एंगल एस को निकालने के लिए, एंगल पी और ये एंगल एस को निकालने के लिए। और क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एसपी इज पैरेलल टू आरक्यू। क्वेश्चन ये दिया है कि एसपी इज पैरेलल टू SP, लाइन SP इज पैरेलल टू लाइन RQ। ये क्वेश्चन हमें दिया है, ये हमें गिवन है। बस इतना ही दिया है और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि SP को निकालने के लिए। और नीचे एक भी कुछ दिया है, क्या लिखा है, इफ यू फाइंड एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल P। ये अगर हम लोग को एंगल R के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग क्या एक से दो मेथड रहेगा कि इसको निकालने के लिए, बल्कि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा मेथड अप्लाई करके इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम लेके आ जाता हूँ, मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आ गया हूँ। या ये डायग्राम पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया हूँ और बीच में एक ए बी बोल के एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया हूँ। और नीचे अगर आप लोग ये नरेशन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, एज द लाइंस एस पी एंड आर क्यू आर पैरेलल गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें दिया था कि SP और RQ लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर उसके ऊपर हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री होगा। तो बस इतना ही याद करके हम लोग यहीं पे ही ये क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। और दो ट्रांसवर्सल लाइन्स मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, ताकि क्वेश्चन पूछा है कि एक से दो ज्यादा मेथड है कि नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि यस एक से दो मेथड है। देखिए फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन को आप देखिए क्या है, एसपी पी क्यू, ये पैरेलल लाइन्स है और बीच में ए बी बोल के मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर जैसे कि एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर 90 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल्स एक ट्रांसवर्सल लाइन का इंटरनल एंगल्स, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स है, इसका इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि ये 90 डिग्री है क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल लाइन के ऊपर ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसलिए ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोगों को 180 डिग्री मिल गया। तो मैं यहाँ पर एंगल आर ये 90 डिग्री ही होगा क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, हो गया। अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो एंगल एस भी 90 डिग्री होगा। देखिए ये मिल गया 90 डिग्री। चलिए ये होने के बाद अगर आप लोग सेकेंड ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे, सेकेंड डायग्राम को देखेंगे, जो जहां पर मैं नंबर टू लिखा हूं, यहाँ पर ए बी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर ए बी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं यहाँ पर इसको प्रूफ कर सकता हूँ, नहीं तो हमें पता है, क्या हमें पता है, द सम टोटल ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर वो मेथड भी आप अप्लाई करेंगे और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका अगर सम टोटल करेंगे, लाइक एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, अगर हम लोग ये रूल लेके चलेंगे, बिकॉज हमें पता है कि द सम टोटल ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमें पता है उसको हम लोग डाल देंगे, जो जो एंगल हमें पता है, एंगल पी पता नहीं है हम लोग अभी निकालेंगे, प्लस एंगल क्यू, एंगल क्यू क्या है 130 डिग्री है, प्लस एंगल आर कितना मिला हमें 90 डिग्री मिला, प्लस एंगल एस हमें 90 डिग्री मिला इज इक्वल टू 360, और एंगल पी प्लस ये कितना हो जाएगा 130 प्लस 220 प्लस 90 310 हो जाएगा, 310 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, और एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 310। ये कैसे हो गया, लेफ्ट साइड पे जो 310 है, जब इसको मैं राइट साइड को मूव करूंगा ये माइनस हो जाएगा, तो कहां से माइनस होगा, 360 से माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 310 और एंगल पी इज इक्वल टू 50। देखिए इस तरह से हम लोग निकाल दिए, इस तरह से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का सम टोटल ऑफ एंगल्स को लेके एंगल पी निकाल दिए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला, अगर आप लोग ये ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे, सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन को देखेंगे, तो ए बी यहाँ पर पी क्यू जो है, यहाँ पर ए बी बिल्कुल वही है, पी क्यू जो है यहाँ पर ए बी बिल्कुल वही है, तो यहाँ पर क्यू का एंगल हमें क्वेश्चन ने दिया था 130 डिग्री बोल के दिया है, और ये एंगल क्या होगा,
अगर आप लोग हम देखेंगे एक पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका इंटरनल लाइन सम टोटल ऑफ द इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। तो जैसे कि ये 130 डिग्री है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग बोल के इसको कर सकते हैं कि ये 50 डिग्री होगा। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी है, जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। We'll be right back.